आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला दिया गया। क्या जूनागढ़ का कोई भी व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोमनाथ का कोई भक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल सकता है? अगर सरदार साहब न होते तो ये जूनागढ़ कहां होता, ये जूनागढ़ कहां होता? ये सरदार साहब न होते तो सोमनाथ की दुर्दशा कैसी होती? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब मुरारजी भाई उभर करके आए तो इस परिवार को मुरारजी भाई के प्रति नफरत हो गई। ये गुज्जू इस परिवार को ललकारता है, जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगा दिया। मुरारजी भाई हिम्मत करके इस परिवार को परास्त करके निकल करके आए, लेकिन दो साल के भीतर भीतर सिद्धांतों के लेकर के जीने वाले मुरारजी भाई की सरकार को पिछले दरवाजे से इस परिवार ने गिरा दी। अब बारी मेरी आई, अब उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मुरारजी भाई को गिरा दिया, और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए, और वो भी दम खम के। भाइयों बहनों, ये गुजरात की मिट्टी की ताकत है, ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई के आदर्शों से पली बढ़ी गुजरात की धरती है।